कर्नाटक में सत्ता की रेस में आगे निकलने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। जहां बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया, तो वहीं शाम होते होते कांग्रेस और जेडीएस भी अपने विधायकों के साथ राज्यपाल वजूभाई वाला के पास पहुंच गए और अपने विधायकों की चिट्ठी उन्हें सौंप दी है। कर्नाटक में सरकार गठन के लिए आज बैठकों का दौर जारी रहा, जहां सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी ने सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए अहम बैठक की। इस बैठक में बीएस येदियुरप्पा को विधायक दल का नेता चुना गया। इस मीटिंग के बाद येदियुरप्पा सीधा राज्यपाल वजूभाई वाला से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद येदियुरप्पा ने दावा किया कि वो 17 मई यानी कि कल सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि राज्यपाल की तरफ से अभी उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया है। ऐसे में उनके इस दावे को सभी हैरानी से देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस भी किसी से पीछे नहीं। कांग्रेस और जेडीएस में भी बैठकों का दौर चला, जहां जेडीएस नेता कुमार स्वामी को विधायक दल का नेता चुना गया। लेकिन इस दौरान कुछ हैरान करने वाली खबरें भी सामने आई। इस बैठक में कांग्रेस के कुछ विधायक नदारद दिखे। तमाम घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस और जेडीएस भी अपने विधायकों के साथ राज्यपाल के पास पहुंच गई। मुलाकात के बाद कुमार स्वामी ने बताया कि हमने सभी जरूरी कागजात राज्यपाल को सौंप दिए हैं। ये दस्तावेज बताते हैं कि हमारे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे संविधान के मुताबिक फैसला लेंगे। वहीं से पहले कुमार स्वामी ने दावा किया कि भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ने और सरकार गठन के लिए उनका समर्थन हासिल करने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की है। हालांकि बीजेपी ने तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।